बड़ी खबर बिहार से निकल करके आ रही है, जहां इस बार दिवाली बिना आतिशबाजी की होगी। जी हां, इस बार बिना दिवाली की आतिशबाजी होगी। बिहार के 4 शहरों में पटाखों पर बैन लगाने की घोषणा की गई है। दीपावली पर पटाखों पर पूरी तरह बैन लगी रहेगी। पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में पटाखों पर बैन लगाई गई है। राज्य के बाकी हिस्सों में ग्रीन पटाखा फोड़ने की छूट मिली है। बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह फैसला लिया है। अन्य जगहों पर भी सशर्त आतिशबाजी होगी, लेकिन ये जो 4 जिले हैं, पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर, यहाँ पर पटाखे पूरी तरीके से बैन रहेंगे। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा फैसला ये आया है और बड़ी खबर हम आपको इस वक्त की बता रहे हैं। बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने यह फैसला लिया है, बिना आतिशबाजी के ही इस बार इन 4 जिलों में दिवाली मनाई जाएगी। बिहार के 4 शहरों में पटाखों पर पूरी तरीके से बैन रहेगा। पटना, गया, मुजफ्फरपुर और हाजीपुर में पूरी तरीके से पटाखे बैन रहेंगे। और बिहार संपादक एसके राजीव का जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसके राजीव, एक बड़ा फैसला आया है, बिहार के 4 शहरों में दिवाली के मौके पर जो पटाखों की आतिशबाजी होती है उस पर पूर्णतः बैन लगाया गया है। अन्य शहरों में हालांकि ग्रीन पटाखे फोड़ने की अनुमति दी गई है, लेकिन इस फैसले को कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए नवीन, जो सबसे बड़ी खबर है वो यह है कि बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड ने 4 जिलों में, पटना, मुजफ्फरपुर, गया और हाजीपुर, इस 4 शहरों में जो है वो पूरी तरीके से पटाखा पर बैन लगा दिया है। और उसमें यह कहा है, क्योंकि ये इन 4 शहरों में जो पॉल्यूशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा रहता है, लिहाजा दीपावली में जो है इन 4 शहरों में पटाखे जो हैं वो नहीं फोड़े जाएंगे और ग्रीन दीपावली जो है वो मनाई जाएगी। ग्रीन दीपावली का मतलब ये होता है कि आप जो मिट्टी का जो तेल होता है उससे आप दिए नहीं जलाएंगे, बल्कि जो बिजली का बल्ब है उसको आप जलाएंगे, और जो सरसों के तेल से अगर आप दिया जलाते हैं तो वो जलाने की आपको छूट रहेगी। तो एक बड़ा निर्णय, चूँकि आपको ये पता है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार जो PQI जो लेवल है, जो उसका जो प्रदूषण का जो लेवल है वो लगातार बढ़ रहा है। इवन कि अगर आप राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात करेंगे तो वहाँ पर जो PQI लेवल है वो इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर दिन में भी अब जो है वो लोगों को धुंध जो है वो लोगों को दिख रहा है। ऐसी स्थिति में बिहार में जो प्रदूषण बोर्ड है बिहार सरकार का, उसने विधिवत ये निर्णय लिया है कि आने वाले, चूँकि आपको ये याद होगा कि जो धान का जो समय होता है, चूँकि धान कटनी का समय आ गया है, तो उसके बाद जब धान की तैयारी होती है तो लोग जो उसका जो परेल जिसको हम लोग कहते हैं उसको लोग जलाते हैं किसान, उससे भी जो है सो प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा फैलता है। तो पटना जो है, पटना का भी जो प्रदूषण का जो दर है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, और यही वजह है कि 4 शहरों में, जिसमें कि पटना है, मुजफ्फरपुर है, हाजीपुर है और गया, इन 4 शहरों में जो है फिलहाल अभी पटाखे पर पूरी तरीके से बैन लगा दिया गया है प्रदूषण बोर्ड की तरफ से। और यह भी आदेश दिया गया है कि उन इलाकों में जो है वो मिट्टी तेल से जो है वो दिए नहीं जलाए जाएंगे, बल्कि ग्रीन दीपावली जो है वो मनाई जाएगी। बिल्कुल एसके राजीव, प्रदूषण की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए यह फैसला लिया गया है, लेकिन राजीव, अगर हम इसको और थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करें तो सिर्फ 4 शहरों का ही चयन इस फैसले के लिए क्यों हुआ है? नवीन, आपकी आवाज नहीं मिल रही है। अब मिल पा रही है आपको आवाज मेरी? सवाल फिर से दोहराइए ना। एसके राजीव, जिस तरीके से आपने बताया कि प्रदूषण की स्थिति जो है वो राजधानी पटना में काफी बढ़ जाती है, लिहाजा प्रदूषण की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए यह फैसला प्रदूषण बोर्ड की ओर से लिया गया है, लेकिन अगर हम इसको और थोड़ा गहराई में समझने की कोशिश करें तो सिर्फ 4 शहरों का ही चयन क्यों किया गया है? नहीं, देखिए, ये जो बिहार राज्य जो प्रदूषण बोर्ड है या फिर किसी भी राज्य का जो प्रदूषण बोर्ड होता है वो अपने एक मानक वो तय करता है कि किसी भी जिले में जो है प्रदूषण का लेवल अभी क्या है, और इस मानक से अगर एक लेवल जो उनका तय किया जाता है उस लेवल से अगर वो प्रदूषण लेवल वहाँ ज़्यादा बढ़ता है तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर बैन किया जाता है। राजधानी पटना की अगर आप बात करेंगे तो पटना की पूरी आबादी जो है इन दिनों 50 लाख के करीब है, और बड़ा शहर जो है वो पटना बड़े शहर के रूप में डेवलप हुआ है, तो निश्चित तौर पर यहाँ गाड़ियों की संख्या में भी काफ़ी इजाफा हुआ है। यही वजह है कि पॉल्यूशन का लेवल जो है वो राजधानी पटना में जो है वो मानक जो स्तर जो एक तय किया गया है उससे ज़्यादा रहता है। यही वजह है कि राजधानी पटना को इसी बार की ये सिर्फ बात नहीं है, बल्कि मुझे याद है कि पिछले 4-5 साल से जो है वो राजधानी पटना को उस मानक में रखा गया है जहाँ पर कि PQI लेवल जो है वो ज़्यादा रहता है, लिहाजा यहाँ पर जो है वो प्रदूषण को देखते हुए, बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ये निर्णय लिया गया। इसके अलावा वैशाली जो है, वैशाली के विषय में ये कहा जाता है कि वो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर हाजीपुर जो है
वो इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र है, तो वहाँ पर भी जो है सो चूँकि औद्योगिक क्षेत्र है तो जाहिर है कि वहाँ पर प्रदूषण का स्तर जो है वो ज़्यादा होगा, इसलिए वहाँ पर ये स्थिति जो है सो वहाँ पर भी ये लागू किया गया है। भागलपुर की बात करें तो भागलपुर की जो आबादी है वो वहाँ पर जितनी आबादी है उससे ज़्यादा वो शहर जो है वो काफ़ी डेंस शहर माना जाए, काफ़ी घना वो शहर माना जाता है, और इसलिए वहाँ पर का जो भी जो प्रदूषण लेवल है वो ज़्यादा है, तो वहाँ पर बैन लगाया गया। और एक अगर गया की बात करेंगे तो गया भी जो है वो वहाँ की भी आबादी, वहाँ का जो घनत्व है वो काफ़ी ज़्यादा है, और वहाँ भी प्रदूषण का लेवल जो है वो पिछले कुछ दिनों से देखा गया है कि लगातार बढ़ रहा है। तो इन चार जिलों में भी फिलहाल जो है वो रोक लगाई गई है। हो सकता है चूँकि दिवाली 12 तारीख को है, हो सकता है कि उसके 12 तारीख के पहले और भी कई जिले चिन्हित किए जाए जहाँ पर कि प्रदूषण का दर जो है वो मानक लेवल से ज़्यादा होगा, तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि वहाँ पर भी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है वो आदेश लागू करे, जारी करे, लेकिन फिलहाल अभी इन चार जिलों के लिए ही जारी की गई। और रही बात राजधानी पटना की, तो यहाँ पर कई सालों से जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा भी पटाखों पर यहाँ पर बैन लगा दिया गया, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है वो पटाखा फोड़ते हैं, और ये वजह है कि जब दीपावली का समय आता है तो पटना का जो PQI लेवल है, जो प्रदूषण दर है, वो काफ़ी बढ़ जाता है। और इसी को देखते हुए बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड ने भी फिलहाल बिहार के 38 में से चार जिलों में पटाखा चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, साथ ही ग्रीन दीपावली मनाने की लोगों से अपील भी की है। बिल्कुल, ग्रीन दीपावली मनाने की अपील की गई है इसके राजीव, लेकिन क्या लगता है आपको जिन शहरों में पटाखों पर बैन लगाया गया है क्या वो लोग भी मांग कर सकते हैं आने वाले दिनों में कि हमें भी ग्रीन दीपावली मनाने की छूट दी जाए? नहीं नहीं, देखिए ग्रीन दीपावली मनाने के लिए तो विधिवत कहा गया है, ग्रीन दीपावली का मतलब ही होता है कि पॉल्यूशन फ्री दीपावली आप मनाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है कि, चूंकि आपको ये पता है नवीन की सरकार भले ही आदेश जारी करती है लेकिन दीपावली एक ऐसा पर्व है जिसको लोग इंजॉय करते हैं, लोग घरों में दिए जलाते हैं। और मैं पिछले 4-5 साल से पटना में लगातार देख रहा हूँ कि राज्य सरकार की तरफ से भी आदेश निर्गत किया जाता है, लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तरफ से भी आदेश जारी किया जाता है, प्रदूषण बोर्ड की तरफ से आदेश जारी किया जाता है, लेकिन उसके बावजूद लोग पटाखों की भी बिक्री होती है, उसके बाद बावजूद लोग पटाखा भी यहाँ पर जलाते हैं, मिट्टी के तेल के दिए भी जलाते हैं। ये बात अलग है कि उसकी संख्या में थोड़ी सी कमी निश्चित तौर पर देखी गई है, हालांकि इन सबके बीच प्रदूषण बोर्ड का ये कदम जो है वो निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है, और वाकई में अगर इन चार जिलों की तरह इन चार जिलों में भी इसका अगर एग्जीक्यूशन होता है तो उन इलाकों में पॉल्यूशन का जो लेवल है वो निश्चित तौर पर न सिर्फ घटेगा बल्कि जो जिस PQI की बात करती है, जिस स्वच्छ हवा की बात करती है, गुणवत्तापूर्ण हवा की बात करती है सरकार और प्रदूषण बोर्ड जो बात करता है, निश्चित तौर पर वो स्वच्छ हवा जो है वो स्वच्छ हवा में लोग सांस ले पाएंगे। लेकिन आपका जो सवाल है कि क्या अन्य जिले के लोग भी इस तरह की मांग करेंगे, देखिए अमूमन अन्य जिले के लोगों की मुझे नहीं लगता है कि अन्य जिले के लोग भी इस तरह की मांग करेंगे, लेकिन अगर PQI लेवल बढ़ता है किसी भी जिले का इस बीच में, क्योंकि अभी दीपावली में लगभग 15 दिन का वक्त बचा है, तो निश्चित तौर पर बिहार राज्य प्रदूषण बोर्ड जो है वो उन जिलों के लिए भी निर्णय ले सकता है। जी नवीन, बिल्कुल धन्यवाद राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। तो बड़ा फैसला कह सकते हैं कि ये लिया गया है और चार शहरों में पटाखों पर पूर्णतः बैन लगाई गई है, और सरकार की ओर से यह अपील है कि आप ग्रीन दिवाली मनाएं, और कह सकते हैं कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जिस तरीके से खासतौर पर राजधानी पटना में प्रदूषण की स्थिति बनती है उसे देखते हुए यह स्वागत योग्य फैसला कहा जा सकता है, ताकि लोग स्वच्छ हवा में सांस ले पाएं। और जब पटाखों की संख्या बढ़ती है, आतिशबाजी होती है, तो निश्चित रूप से जो प्रदूषण का लेवल है वो काफ़ी ऊपर चला जाता है, इसे देखते हुए यह फैसला बेहद अहम है। अब 100 रुपए में मिलेगा 1000 रुपए वाला फन। वो कैसे? अरे वाइल्ड वादी वाटर पार्क पे डिस्काउंट ऑफर दे रहे हैं, अब मात्र 100 रुपए में पाए अम्यूजमेंट पार्क, बर्ड पार्क और ट्रैम्पोलिन बंजी जैसी ढेरों एक्टिविटीज। पर याद रहे ऑफर सिर्फ 15 नवंबर तक के लिए है। वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची, कॉल 9304816880। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है Complete Solution Institute. यहाँ है Smart Classroom, 1-to-1 Doubt Clearing Session, Ask the Expert, Video Solution और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको Guide, बनेंगे आपके Mentor, Foundation Classes from Class 6 onwards. For your bright future, visit Complete Solution Institute.